हेलो एवरीवन, आई एम लकी महंत एंड यू आर वाचिंग लकी महंत यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो सीरीज़ है वो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पे है। ये जो वीडियोस है वो पूरा डे वन, डे टू, डे थ्री ऐसा करके डलाते जाएगा। आपको पूरा इंग्लिश बोलना सिखा दूंगा मैं इस प्लेलिस्ट पे। आप नज़र रखें, थोड़ा बहुत देखा करें वीडियो। और तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे वन आज का है, और बेअटक इंग्लिश कैसे बोलें, ठीक है। ये जो है स्पेशली पूर्णतः संशोधित और परिवर्तित है, अंग्रेजी और हिंदी डिक्शनरी पे बेस्ड रहेगा। और ये जो वीडियो है इसमें लेटर ड्राफ्टिंग पर भी विशेष जोर दिया गया है, तो आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट, चलिए शुरू करते हैं। पहला दिन है, ये दिख रहा है, ठीक है। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कॉल, एक सेकंड आने दो अभी, ठीक है। तो पहले तो हम पढ़ेंगे बोलचाल में अभिवादन के जो वाक्य हैं, कि बोलचाल हम कैसे करें, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बोलचाल में अभिवादन के वाक्य। यानी कि इसका ये मतलब हुआ कि जनरली हम सुबह क्या बोलें, कैसे अभिवादन करें अपने से छोटों को, अपने से बड़ों को, बैचमेट्स को, है ना, हम उम्र को क्या बोलें, सुबह क्या बोलें, दोपहर को क्या बोलें, और रात को क्या बोलें, सोने से पहले क्या बोलें, शाम को क्या बोलें, ये सारी चीजें अभिवादन के वाक्य आ जाते हैं, ठीक है। तो अपने से बड़ों, रिश्तेदारों और पद में ऊंचे अधिकारियों के साथ हम कैसे बातें करें, तो ये वही चीजें हैं। सबसे पहले आ जाता है उषा काल। उषा काल यानी कि जो सुबह जो होता है, मॉर्निंग से लेके दोपहर तक क्या बोलना है। हाँ, दोपहर 12 बजे तक कैसे बोलना है। तो इसमें जी हमको कुछ इस तरीके से बोलना रहता है, जैसे हम दादा दादा दादी को लेके चलते हैं, तो यहाँ पे बोला जाता है नमस्ते दादी जी। जैसे है आपको नमस्ते दादी जी बोलना, नमस्ते दादाजी। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा, ठीक है, या तो ग्रैंड फादर बोल सकते हैं, पर क्योंकि शॉर्ट में बोलना चाहिए क्योंकि ये इंग्लिश स्पीकिंग का है, तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा, ठीक है, ये हो गया। दूसरा ले लेते हैं नमस्ते पिताजी। जैसे पापा मिल गए कहीं पे, तो आप पापा को क्या बोलेंगे, नमस्ते पिताजी। तो अगर इसको आपको इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलेंगे, गुड मॉर्निंग डैड, कैसे लिखा आएगा, गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग डैड मतलब नमस्ते पिताजी। जैसे आपके सर मिल गए कहीं पे, है ना, जैसे कहीं पे सर मिल गए, तो उसको क्या बोलेंगे, नमस्ते सर, नमस्ते सर। तो इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप बताएं, गुड मॉर्निंग टीचर या फिर गुड मॉर्निंग सर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे गुड मॉर्निंग सर, तो गुड मॉर्निंग सर,
सर देखो ना, डिस्टर्ब मत करो यार। कौन है? मत बस जब बजाने मत बोलो ना अभी, मैं शूट करूंगा उसके बाद ही खोलूंगा उसको, बोलो ऐसा। ठीक है, तो ये हो जाता है अपना बोलचाल में अभिवादन के वाक्य। स्पेशली था ये उषा काल, यानी सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक आपको कैसे टाइप का अभिवादन करना है, कैसे बोलना है, ये वो था। इसके बाद हमारा आ जाता है दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक आपको कैसे बोलना है, राइट। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ क्या बोलना है। एकदम हम बिल्कुल इंग्लिश स्पीकिंग को बेसिक लेवल से चल रहे हैं कि मॉर्निंग में क्या बोलें, दोपहर को क्या बोलें। अभिवादन की क्लासेस चल रही है अभी, तो आपको जरूर पता पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज है उसको आप शुरू से ही इस तरीके से बोलना चालू करें, और ताकि चीजें सही शॉट चले। आना था क्या? लेकिन वो बच्चे लोग डिस्टर्ब मत करें, तुम अकेले आओगे। आने दो उसको, वो पढ़ रहा है दरअसल, उसको पढ़ना भी है। खोलो और तुरंत बंद करो, और वो आवाज मत करे ना, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये डिस्टर्ब हो रहा है, एक्चुअली शूटिंग हो रहा है। हाँ अमीरू तुम आओ, दरवाजा बंद करो। ठीक है, तो हमारा था दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक क्या बोलना है। दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक जो अभिवादन है उसको कैसे करना है। जैसे कोई मिल गए, आपको मिल जाते हैं दादी जी, ठीक है, तो उस टाइम क्या बोलेंगे आप? नमस्ते दादी जी, नमस्ते दादी जी। तो इसको कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे गुड आफ्टरनून ग्रैंड ग्रैंड माँ, ठीक है। जाके बोलो ना उसको, मत करे ऐसा। गुड आफ्टरनून ग्रैंड माँ, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। दूसरा आ जाता है, अगर आपको, अगर आपकी मम्मी मिल गई कहीं पे, माता जी मिल गई, तो उसको बोलेंगे नमस्ते माता जी, नमस्ते माता जी। तो इसको क्या बोलेंगे? गुड आफ्टरनून मम्मी, ठीक है, गुड आफ्टर नून मम्मी। तो ये ऐसा हो जाएगा। उसके बाद जो थर्ड आता है, जैसे पापा को मिल गए, उसकी बेटी है ना, तो वो क्या बोलेंगे? नमस्ते बेटी, ऐसा बोलेंगे। अगर वो रिप्लाई करेंगे तो वो कैसे करेंगे? नमस्ते बेटे अगर बोलते हैं तो। एक्चुअली में बेटे के लिए यहाँ पे सन, डॉटर ऐसा नहीं बोलना पड़ता, जनरली यहाँ पे बोल दिया जाता है गुड आफ्टरनून डियर। डियर मतलब प्रिय होता है, आप जनरलाइज्ड यूज करते हैं इस तरीके से। तो ये हो जाएगा गुड आफ्टरनून डियर, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ तक के लिए। इसके बाद आ जाता है शाम 5 बजे के बाद। ये तो 5 बजे तक आपको गुड आफ्टरनून और बाकी चीज़ें बोलना है, लेकिन अगर ये, अगर टाइम जो है वो 5 बजे से जो बाकी जो समय चल रहा है उसके लिए क्या बोलेंगे आप, तो उसके लिए मैं बताता हूँ। ये मैं आशा करता हूँ आप लिख लिए होंगे, मेरे साथ साथ लिख रहे होंगे। इफ़ यू वांट टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, तो आप इस पूरे कोर्स को देखिए, डे वन डे टू ऐसा करके चलते जाएगा। आज पहला क्लासेस है मेरा, आपको ढेर सारे लेक्चर्स मिलेंगे इन विच योर इंग्लिश स्पीकिंग विल बी इम्प्रूव्ड, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट, एकदम बेसिक लेवल से चल रहा है, ठीक है। तो हम दोपहर के 5 बजे के बाद वाली जो चीजें हैं उसको करेंगे अभी। वो कुछ इस तरीके से है, शायम, शायम मतलब हो जाता है शाम, शायम 5 बजे के बाद जो अभिवादन है
वो कैसे रहेगा, राइट। तो इस पे आ जाता है हमारा, जैसे कोई आपके चाचा मिल गए रास्ते में, चाचा मिल गए चाहे घर में मिल गए, सब इधर उधर से घूम घाम के आए, उसके बाद 5 बजे के बाद क्योंकि जरली सब घर में आना चालू हो जाता है, तो उस टाइम अगर आपको नमस्ते चाचा जी बोलना है, नमस्ते चाचा जी, तो ये हो जाएगा अपना गुड इवनिंग अंकल, ये हो जाता है अपना गुड इवनिंग अंकल। का स्पेलिंग क्या होता है बच्चों, ये होता है UNCLE, राइट। तो आप बोल देंगे उस टाइम गुड इवनिंग अंकल। अगर आपको मिल जाते हैं वहीं पे आपकी चाची जी, है ना, मतलब आपके पापा के भाई के वाइफ को चाची जी बोलते हैं, मैं आशा करता हूँ आपके ब्लड रिलेशन यानी जो खून के जो संबंध है, रिलेशन है, वो स्ट्रांग है। चाचा जी किसको बोलते हैं, मामा किसको बोलते हैं और बाकी चीजें किसको बोलते हैं, ये आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मेरे प्ले लिस्ट पे है इसको क्या बोलते हैं, वो आप जाके चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे अगर आपको मिल जाते हैं नमस्ते चाची जी, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या बोल देंगे इसको, गुड इवनिंग आंटी, आंटी बोल लो चाहे आंट बोलते हैं उसको शॉर्ट में, पर आप यहाँ पे मैं आंटी लिख देता हूँ, गुड इवनिंग AUNTIE, राइट। तो ये हो जाता है गुड इवनिंग आंटी। अब उसके बाद अगर आपको रास्ते में मिल जाता है, ये तो हो गया, उनको अगर रिप्लाई करना है आपके चाचा जी चाहे चाची को, अगर आपको रिप्लाई करना है तो वो कैसे बोलेंगे, पैर देखना लाइन में लग रहा है, नमस्ते बेटे, इस तरीके से अगर वो रिप्लाई करते हैं तो इस कैसे हो जाएगा, गुड इवनिंग डियर, इसका हो जाएगा आंसर गुड इवनिंग डियर। डियर। तो इस तरीके से अगर वो बोलते हैं ऐसा ही रिप्लाई किया जाता है, ठीक है। डियर बोल देने से उधर कोई भी रहे उस सबको आप इस तरीके से रिप्लाई कर सकते हैं। और ये तो हो गए 5 बजे के बाद तक, है ना। अब उसके बाद जैसे कि रात को अगर विदाई देना है, रात को विदाई देना है यानी रात के विदाई के समय कैसे बोलते हैं उसको मैं बता देता हूँ आपको। रात को विदाई के समय कुछ इस तरीके से बोला जाता है, रात के समय अगर विदाई लेना है, इन द सेंस जैसे आप अगर अपने कमरे सोने जा रहे हैं या फिर कहीं गए हुए हैं, है ना, वहां से अगर आपको वापस जाना है, इस तरीके से अगर कुछ विदाई हो रहा है तो उस टाइम कुछ इस तरीके से बोलते हैं, शुभ रात्रि बोलते हैं हिंदी में, आपको पता होना चाहिए, शुभ रात्रि। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, गुड नाइट, गुड नाइट, एकदम बेसिक लेवल से चल रहा है बिल्कुल। अगर आपको ये लगता है ये तो छोटी छोटी चीजें सिखा रहे हैं तो हवाबाजी हो रही है, मैं इससे ज्यादा जानता हूँ, तो आप धीरज धरिए, ये बेसिक लेवल के बच्चों का चल रहा है, एडवांस लेवल का आएगा तो आपकी भी फटेगी, खैर कहना नहीं चाहिए, पर बेसिक से एडवांस लेवल पे चल रहा है हमारा, ये बिल्कुल बेसिक लेवल है, डे वन चल रहा है, जब डे टू डे थ्री डे 30 डे 45 डे 60 और डे 70 डे 80 डे 90 चलेगा ना, तो हवाबाजी होंगे, तो तब तक रुके रहिए, तब तक कि आप क्लास में बने रहिए। मैं आपको वादा करना चाहता हूँ कि ये क्लासेस, ये जो डे मैं बोल रहा हूँ, इस चीज़ को कंप्लीट होते होते आपकी इंग्लिश बहुत अच्छे लेवल पे रहेगी, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो आप जरूर इस वीडियो पे बने रहें, राइट। ये तो हो गया रात को, ये तो हो गया एक गुड नाइट, इसके साथ साथ और भी जोड़ते हैं, जैसे कि क्या जोड़ देते हैं, स्वीट ड्रीम्स डार्लिंग,
ऐसे भी बोला जाता है। यहाँ पे डार्लिंग का मतलब कोई अदरवाइज नहीं होता, अपने प्रिय को जिसको हम गुड नाइट बोल रहे होते हैं उसको स्वीट ड्रीम्स डार्लिंग बोल देते हैं, या फिर साथ ही साथ को इस तरीके से भी बोलते हैं स्लीप टाइट। इसका क्या मतलब हो? अच्छे से सोना, गहरी निद्रा में सोना, है ना। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, स्लीप टाइट, स्वीट ड्रीम्स डार्लिंग, इटीसी, ऐसे शब्दों के। उसके अलावा इफ यू आर अ कपल, राइट, विच मीन्स इफ यू आर अ कपल्स, तो स्वीट ड्रीम्स की जगह और बहुत सारे चीजें बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं, मैं कमेंट पढ़ूंगा। सो दिस इज ऑल अबाउट, अगर आपको रात को विदाई ले रहे हो तो क्या कैसे बोला जाता है, कैसे अभिवादन करते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा दिन में किसी समय, समझ रहे हैं, क्योंकि दिन में भी होता है। दिन में अगर किसी समय कुछ हो रहा हो, अगर दिन में किसी समय की बात हो रही हो, जैसे कि आप किसी से बात कर रहे हैं, राइट, और आपको अब जाना है वहां से, तो उस टाइम कैसे क्या बोलें। जैसे कि आपको बोलना हो, अच्छा सर अब मैं चलता हूँ, ऐसा ट्रिप का, अच्छा सर चलते हैं, तो इस टाइप का अगर नौबत आता है तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अच्छा सर चलते हैं, इसको कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे आप गुड डे टू यू सर, गुड डे टू यू सर, और यहां ये बोल के आप चलने लगते हैं वहां से। अच्छा सर चलते हैं, गुड डे टू यू सर, गुड टाइम टू यू सर, आपका समय अच्छा रहे, आपका दिन अच्छा रहे, तो ये बोल के वहां से हम चलते बनते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया दिन के किसी समय। अब अगर आप उसके बाद आ जाता है भेंट के समय, अगर किसी से मुलाकात हो रही है आपका, किसी से अगर मुलाकात हो रही है तो भेंट के समय कैसे रिएक्ट करना है? भेंट के समय जनरली हम क्या बोलते हैं कि फीडबैक देते हैं ना, आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा, अच्छा लगा, तो उस तरीके से जो बातें हैं उसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बातचीत किए, आपको अच्छा लगा उनकी बातें, कोई सा बातें इंप्रेस करा, तो फीडबैक के रूप में ये दिया जाता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो इसको कैसे करेंगे? इसको कई तरीके से बोला जाता है। एक तो कुछ इस तरीके से हो जाता है, प्लीज्ड टू मीट यू सर, एक तो ये हो गया। दूसरा नाइस टू मीटिंग यू सर भी बोलते हैं, राइट, नाइस टू मीट यू, मतलब आपसे मिलकर अच्छा लगा, प्लीज टू मीट यू सर, नाइस टू मीट यू, इसको भी लिख देता हूँ, आप इसको जरूर बोले, क्योंकि इफ अगर आपको एक अच्छा स्पीकर बनना है, एक अच्छा बोलने वाला बनना है, तो आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए, तभी एक अच्छा आप स्पीकर बन सकते हैं। नाइस टू मीट यू सर, सर बोल देना अच्छी चीजें, एक्चुअली अच्छी चीजों का निशानी है कि आप सामने वाले को सर बोल के संबोधित कर रहे होते हैं। सो दिस इज अ गुड वर्ड्स, यू नो वी शुड यूज सर टर्म्स, जनरली लोगों के लिए यूज किया जाना चाहिए, स्पेशली जिसको हम नहीं जानते हैं, भैया भी बोल सकते हैं, पर भैया से ज्यादा फॉर्मल सर वर्ड्स लगता है, बाकी आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। इसके बाद जैसे मैं आगे चलूं अभिवादन के कुछ और बातों पे, कुछ और आयाम पे, कुछ और पहलू पे, तो वो ये है कि किसी भी समय, है ना, इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स अपने मित्रों और बराबरी लोगों के साथ किसी भी समय, ऐसा कोई टाइम स्पेसिफिकली नहीं है, किसी भी समय की बात हो रही है, किसी नहीं, अभी मत खोलो, किसी भी समय, मतलब ये हो जाता है इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स।
इनफॉर्मल, इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स मतलब क्या है, अपने मित्र और बराबरी के लोगों के साथ कैसे रिएक्ट करना है, अपने मित्र और बराबरी बराबरी के लोगों के साथ और बराबरी के लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से है इसका जो है, जैसे अगर कोई सिमी नाम की कोई लड़की मिल जाती है वहां पे, तो ये हो जाता है हाय हाय सिमी, हाय सिमी, तो इसको कैसे बोलेंगे, जनरली वही बोलेंगे हाय सिमी करके ही बोलते हैं, हाय सिमी, हाय सिमी बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर वो रिप्लाई करते हैं हाय अंकुर करके, तो ये हो जाएगा हाय अंकुर, है ना, अगर इस टाइप का रिप्लाई आता है तो, क्योंकि अगर कोई हाय बोलते हैं तो उसको रिप्लाई दिया जाता है, तो वहां पे भी यही बोला जाता है हाय अंकुर, हाय अंकुर। उसके बाद हेलो अंकल, जैसे कि कोई कोई मिल जाते हैं अंकल वगैरह है, तो उसको कुछ इस तरीके से बोलते हैं हेलो अंकल, है ना, हेलो अंकल, हेलो अंकल का ये मतलब उसको भी वैसे ही बोल देते हैं हेलो अंकल, ऐसा हेलो, अंकल, तो ये हो गया। ठीक है, इससे आगे और कुछ मैं करता हूँ, इसको मैं आशा करता हूँ आप नोट्स बना लिए हैं। इसके बाद जो है तीसरे के बाद जो चौथा है, वो कुछ ऐसा है, हेलो निशी, अगर हेलो निशी, तो ऐसे में क्या बोलते हैं, हेलो निशी, हेलो निशी, राइट। इसके बाद आ जाता है अगर हेलो कुश, ऐसा करके भी रहता है कुछ, हेलो कुश, मैं इतना सारा एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं ताकि ये वीडियो जब देखेंगे तो आपके मुंह से एटलीस्ट हेलो हेलो निकलना चालू हो जाए। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा हेलो कुश, हेलो कुश, है ना। उसके बाद कुछ मैरिड लोगों से मिलना हो जाता है, हेलो मिसेस, हेलो हेलो मिसिज महंत, ऐसा यानी ऐसा कब बोला जाता है, जब आप किसी महंत की वाइफ यानी कोई सरनेम है महंत, उसके अगर किसी वाइफ से बात हो रही हो, किसी महिला से, उसको बोलना हो तो हेलो मिसेस महंत, ऐसा हेलो मिसेस महंत, कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, यहाँ पे मैं कुछ नोट्स स्पेशली जो बातें हैं वो मैं बताना चाहूंगा, वो ये है, इतने सारे एग्जांपल ले लिए, इसका ये मतलब हुआ ओवरऑल कि नोट मैं बता देता हूँ इसका, कुछ ये कुछ ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आपको याद रखना है, यदि संबंध बेतकल्लुफी का हो तो हेलो और हाय का प्रयोग अपने अपने से बड़ों के साथ भी किया जा सकता है, यानी अगर कोई ऑफिशियल रिलेशन नहीं है, ऐसे ही
बेतकल्लुफी वाला रिलेशन है, तो वहाँ पे अपने से बड़ों को भी हाय बोल सकते हैं, छोटे को भी हाय बोल सकते हैं। तो इस तरीके से है। कुछ है नोट्स हैं स्पेशली मैं लिख देना चाहता हूँ। यदि संबंध बे तकल्लुफी का हो तो जो हेलो और जो हाय है ना, का प्रयोग अपने से बड़ों के साथ भी किया जा सकता है। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट हाय हेलो का उपयोग इसी तरीके से किया जाता है। यहाँ पे डे पहला का लेक्चर चाहिए। कुछ और है, कुछ बातें हैं जो विदाई देते समय हमें कैसे बोलना चाहिए, राइट उसको भी मैं बता देता हूँ। विदाई के समय कैसे रिएक्ट करना चाहिए, विदाई के समय कैसे रिएक्ट करना चाहिए वो मैं बता देता हूँ, है ना। थोड़ा सा आवाज़ वगैरह हो रहा था, हल्ला हो रहा था, तो वो इस पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ। खैर, तो चलिए मैं विदाई के टाइम कैसे रिएक्ट करना चाहिए। अच्छा चलते हैं बच्चों, अगर ऐसा बोलना है, अच्छा चलते हैं बच्चों, ऐसे बोलना है तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको। जैसे अगर आप टीचर हैं, मानता हूं मैं ऐसा, और आप छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, राइट, छुट्टी हो गया है तो उनको बोलना है, अच्छा चलते हैं बच्चों, छुट्टी हो गया सब चीजें, तो उस टाइम बोलेंगे आपको गुड बाय चिल्ड्रंस, है ना। गुड बाय चिल्ड्रन, इसमें चिल्ड्रंस करने की जरूरत नहीं होता क्योंकि जो चिल्ड्रन है वो खुद प्लूरल नंबर है, बहुवचन है। मतलब कैसे बोल रहा हूं मैं, वो इस तरीके से कि चाइल्ड एक सिंगुलर नंबर होता है, चाइल्ड चिल्ड्रन खुद बच्चे होते हैं उसका मतलब, तो प्लूरल नंबर हो गया। दूसरे की मैं बात करूं तो अच्छा अच्छा बाय, ऐसा है ना, तो इसके लिए हम बोलेंगे या तो बाय बाय बोल देते हैं, उसका यही मतलब होता है, टाटा बाय बाय जो बोलते हैं, बाय बाय, तो इसका यही मतलब है, बाय बाय उसी टाइम बोलते हैं हम, ठीक है। एक और हो जाता है, कोई संबंधी है, चलते हैं मित्र, ऐसा जो बोलते हैं, चलते हैं मित्र या चलते हैं प्रिय जो बोलते हैं विदाई लेते समय, ऐसा बोल सकते हैं, तो इसका इसको इंग्लिश में बोलेंगे फेयरवेल डियर, फेयरवेल डियर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अच्छा फिर मिलेंगे। जैसे अगर आप विदाई पे जा रहे हैं, मतलब दो लोगों का बिछड़न हो रहा है, वहां पे सिर्फ बाय बाय नहीं बोलना चाहिए, लास्ट में भी बोलना चाहिए कि फिर मिलेंगे, अच्छा फिर मिलेंगे, है ना, तो ऐसा बोलना चाहिए। हाँ, तो उस टाइम को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, अच्छा फिर मिलेंगे, तो इसको हो जाता है बाय सी यू, इसको बोल देते हैं बी वाई ई बाय सी यू, सी यू मतलब वही होता है फिर मिलेंगे, या फिर इसी को और भी अलग तरीके से बोला जाता है सी यू सो लॉन्ग, सो लॉन्ग। सो दिस इज ऑल अबाउट, राइट, कुछ बातें हैं, दिस इज डे वन कंप्लीट होता है, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ चीजों को
बताना चाहूँगा जो कि आप याद रखेंगे स्पेशली, ठीक है। और ये बातें अभिवादन से ही रिलेटेड है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ओवरऑल कि आपको इसको जरूर याद रखेंगे, तो वो मैं बताना चाह रहा हूँ अभी। ठीक है, अब याद रखें कुछ बातें हैं। रिमेम्बर, कुछ बातें हैं जिसको हम हिंदी और अंग्रेजी में जो है जो संबोधन करते हैं, राइट। तो यहाँ पे कुछ अंतर होता है दोनों में, उसी को मैं बताना चाहता हूँ ना, कुछ डिफरेंसेस होते हैं जिसको मैं खंड के रूप में बताना चाहूंगा। खंड ए हो जाता है जिसमें मैं पहला जो बता रहा हूँ कुछ इस तरीके से है, और एक खंड भी आएगा, दो तरीके से बताऊंगा इस चीज को। अंग्रेजी में क्या है, अंग्रेजी में है जी जो शुरू में हमने यूज किया था, ग्रैंडफादर को ग्रैंडपा बोलते हैं। संक्षेप में बता देता हूं, ग्रैंड फादर को संक्षेप में ग्रैंडपा बोलते हैं। राइट। जो दूसरा है वह फादर के लिए डैड या फिर डैडी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फादर के लिए डैड या डैडी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कुछ और बातें हैं, लाइकवाइज है ना, इसको मिटा देता हूं, मैं आशा करता हूं आप लिख लिए हैं, और आप तभी नहीं लिख रहे होंगे जब आप उन चीजों को पहले से जानते होंगे, राइट। सिर्फ सुन रहे होंगे और जो एडिट डे टू है या एडवांस लेवल की जो इंग्लिश है उसका इंतजार कर रहा हूँ मैं, ऐसा मान के चलता हूँ। जो तीसरा है, जो चेंजेस है वो ये है कि ग्रैंड मदर को संक्षेप में ग्रैंड माँ कहते हैं। संक्षेप का मतलब होता है शॉर्ट में यार, अगर आपको ये जो वर्ड्स है अगर वो कठिनाई हो रही होगी तो इसको संक्षेप में बोल देते हैं। चौथा हो जाता है अपना, मदर के लिए मॉम या मम्मी शब्द का प्रयोग किया जाता है। मुझे भी रुकना चाहिए ना, रुक जाता है, एडिट कर लेंगे। चेक कर लो, मैं आपको कुछ लिखने के लिए दे दूँ, मजदूरी को हंड्रेड हाँ लिखो ना। हाँ, आप ना गाना मत बजाइएगा, खास करके मेरा शूटिंग होता है, निवेदन है वो। क्यों? क्योंकि अगर आप गाना बजाते रहोगे ना कोई सा भी, वो इसमें आता है, फिर वो कॉपीराइट हो जाता है। तो कॉपीराइट, वहां से भी आप उधर थे ना उस टाइम, अरिजीत का गाना चल रहा था कोई सा,
तो वो ये इसमें कैप्चर हो गया तो कॉपीराइट आ जाता है, कॉपीराइट आता है फिर उस वीडियो को पैसा नहीं मिलता। हाँ, तो इसलिए मैं एक बोल रहा था कि बस शूटिंग होते तक 5-10 मिनट में हो जाएगा कंप्लीट, थोड़ा सा बचा है उसके बाद आप जी भर के गाना जो सुना माइक लीजिएगा। है ना, ये बहुत सेंसिटिव है, ये पूरा एरिया भर के झुरूर झुरूर झर झर बज रहा है, वो सबको खींचता है, बहुत सेंसिटिव। आवाज तो आप आई है वहां ना, जो बजा रहे थे वो तो खींच ये रहा था। उतना सारा आवाज आएगा कि आपको आवाज आ रही थी। हाँ, इसीलिए तो यार, इसीलिए तो बोल, इसीलिए मैं स्पेशली कुछ बुलाने आगे नहीं गया था, बोला, नहीं तो मैं थोड़ी सुनो डिस्टर्ब तो, करता आपको यहाँ आके नहीं सुनो बैठो करके, तो, क्योंकि मैं तुरंत बोल नहीं सकता था आपको, तो इसलिए मैं सोचा पहले बिठाता हूँ फिर बताऊंगा मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही करके, और मैं इसको अदरवाइज भी नहीं लगे बस शूट कर रहा हूँ, बाकी बाद में बिंदास फुल आवाज में बजाना, कोई दिक्कत मैंने कुछ नहीं। आगे ये कट हो बोला, जाएगा, अभी जो बात अभी कर रहे बात हो करना, कट हो जाएगा, बस इतना ही, लेकिन अब मैं इसको खत्म मैंने करना कुछ चाहता आके हूँ। बोला, और कितना डर रहा है हाँ उनका उसका। मैंने कुछ आके बोला आवाज आ रही है हाँ तो मत करो करके, तो बोलते हैं उनको पता नहीं था ना, इसलिए कॉपीराइट आ जाता नहीं है, मैं गाना बोला बजता है। था हाँ, ऐसे कैसे बोला था। सो गाइज, मदर को के लिए मॉम या मम्मी का, मम्मी जैसे शब्दों का उपयोग किया जाता है। मॉम या मम्मी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारा जो मैं बोला था, ये हो गया ए। इसके बाद जो है जी वो बी। अब तो बी कुछ इस तरीके से है कि, है ना, हाँ, अब जाएंगे तो जा सकते हैं, कोई नहीं दिक्कत मेरे नहीं, बैठा बैठो ना या फिर कुछ मिनट। हाँ ठीक है, तो ये तो हो गया ए वाला ऑप्शन, जो चेंजेस जिसको आपको याद रखना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ अभी। जो बी है वो कुछ इस तरीके से है, चाचा, ताया, मामा, मौसा, फूफा, इन सभी को अंकल कहा जाता है। ठीक है, इन सब चीजों का अगर जिक्र हो रहा होगा कहीं पे तो आप सिर्फ आप अंकल बोल देंगे। मैं लिख देता हूँ इसको, चाचा, ताया, मामा, है ना, मौसा, फूफा, आदि को अंकल कहा जाता है। अंकल ना याद रखेंगे आप, अगर आपको सिर्फ ये पता रहा होगा कि सिर्फ चाचा को अंकल बोलते हैं तो ऐसा नहीं है, अगर आपके मामा है, आपके ताया है, आपका मौसा है, चाहे आपका फूफा है, इन सबको अंकल कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया पहला। अब आता है दूसरा, चाची, ताई, मामी, मौसी, बुआ, सभी को आंट या आंटी कहा जाता है। ठीक है, मैं लिख देता हूं, चाची हो गई, ताई हो गई, मामी हो गई, मौसी हो गई, है ना, फूफी, आदि को आंटी, या तो इसको आंट बोलते हैं या आंटी, यानी कि आंट या फिर आंटी कहा जाता है। राइट, तो ये हो गया। उसके बाद जो थर्ड है वो मैं बताना चाहता हूं आपको,
अंधेरा पड़ रहा है। इसके बाद आ जाता है तीसरा, बताना चाहता हूं तीसरा में, किसी भी पुरुष के लिए आदर सूचक शब्द सर का प्रयोग किया जाता है। मैं आपको बता ही चुका हूं कि भैया और बाकी चीजों से बेहतर सर आप बोल सकते हैं, अगर कोई अननोन है, कोई व्यक्ति है, तो ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे। किसी भी पुरुष के लिए आदर सूचक शब्द, ना आदर सूचक का मतलब है जिसमें हम सामने वाले का रिस्पेक्ट भी कर रहे होंगे, है ना, मतलब सम्मान भी कर रहे होंगे और उसको सामने उससे हम बात भी कर लेंगे, तो आदर सूचक वही होता है उसका मतलब, आदर सूचक। सर का उपयोग करना चाहिए, सर मतलब हो जाता है ये वाला, क्या हुआ? ठीक है, इसके बाद आ जाता है चौथा। चौथा है जी हमारा, किसी भी महिला के लिए आदर्श सूचक शब्द मैडम होती है या मैम होती है। क्यों हंस रहे हो बच्चे लोग? तो मैम का प्रयोग किया जाना चाहिए, पकड़े रहो अभी। जैसे कि अभी इसके लिए हम सर यूज कर दिए, तो इसके लिए मैम का यूज करेंगे, है ना। हाँ ठीक है। अबे बदमाश, ये कैमरा में थोड़ी आ रहा है। हाँ ठीक है, शांत रहो अभी, नहीं तो तुमको भी। क्या हुआ बे, शांत रहो ना दोस्तों। किसी भी महिला के लिए आदर सूचक शब्द मैडम, और किसी भी महिला के लिए बोले ना तो बच्चे जरूरी बोलते हैं। चलो निकलो तुम लोग, दोनों जने निकलो यार, ऐसा नहीं हो पाएगा ना मेरे से यार। मैडम का यूज होना चाहिए, मैडम, मैडम का मतलब होता है मैम, मैडम मतलब को शॉर्ट में हम मैम भी बोलते हैं। मैम का उपयोग करना चाहिए। दो नहीं रिजर्व दो, तो ये हो गया। इसके बाद कुछ बातें हैं जिसको आपको याद रखना है, वो कुछ इस तरीके से है। भले हमारे देश में अंग्रेजी लोग आके हुकूमत किए हैं, लेकिन उनकी इंग्लिश, उनकी जो ये अभिवादन था वो मतलब उनके लेवल पे ठीक था, बढ़िया था, यानी हमसे वो अच्छे बिहेव नहीं करते थे, पर वो अपने पे कैसे कब किसको संबोधित करना है सब चीजें जानते थे वो, ठीक है। तो हमें लगता है वी शुड बी फॉलो देम, हमें अनुसरण करना चाहिए उनका। पांच है विच इज अ सेकेंड लॉस्ट लास्ट ऑल्सो, उसके बाद एक और बच जाता फिर खत्म हो जाएगा ये वीडियो। चचेरे ममेरे मौसेरे या फुफेरे भाई को या बहन को या किसी के लिए भी केवल कजन शब्द का प्रयोग किया जाता है। कजन ब्रदर या कजन सिस्टर, नहीं ऐसा नहीं, कजन ब्रदर या कजन सिस्टर ऐसा नहीं बोलते हैं, सिर्फ कजन बोल देते हैं किनको, ये जितने मैं शब्द बोला ना, चचेरे ममेरे मौसेरे फुफेरे भाई बहन, ये सब चीजें जो होते हैं उसके लिए कजन सिस्टर कजन ब्रदर ऐसा यूज नहीं करते, सिर्फ कजन बोल देते हैं, बात खत्म। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, आप नोट्स अगर बना रहे होंगे तो इट इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो। चचेरे मौसेरे ममेरे या फुफेरे, फूफा की तरफ के जो होते हैं फुफेरे भाई या बहन के लिए,
ये जल रहा है क्या? देखो तो चल रहा है ना? सिर्फ और सिर्फ याद रखेंगे, मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसी को तो याद रखना है आपको। कजन, COUSION, कजन का उपयोग करते हैं। कजन ब्रदर या कजन सिस्टर नहीं। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जो लास्ट है जी, उसके बाद ये वाला डे वन कंप्लीट हो जाएगा, वो ये है जो छठवें नंबर का है, जो कि आपको बी पार्ट में आपको याद रखना चाहिए। अभिवादन के लिए इंग्लिश में शॉर्ट्स के लिए वो कुछ इस तरीके से है, आप याद रखेंगे, वो ये है, विवाहित महिला के नाम या उपनाम से पहले मिसेज तथा अविवाहित महिला के लिए मिस का प्रयोग किया जाता है। मिस का प्रयोग अविवाहित या विवाहित किसी भी स्त्री के नाम या उपनाम से पहले किया जाता है। ठीक है, मैं मोटा मोटी बता देना चाहता हूं आपको कि MIS मिस अविवाहित महिला के लिए यूज करते हैं, मिसेस MRS किसी विवाहित महिला के लिए यूज करते हैं, और MS एक मिस और होता है, उस चीज हम चाहे वो मैरिड रहे चाहे अनमैरिड, समटाइम्स यू नो लाइक हमें पता नहीं पड़ पाता कि वो महिला मैरिड है या अनमैरिड है, विवाहित है या अविवाहित है, उस टाइम हम MS वाला मिस का यूज कर लेते हैं। तो वही चीज यहाँ पे समझाया गया है, तो मैं बता देता हूँ आपको, विवाहित महिला के लिए इसका यूज करेंगे, अविवाहित महिला के लिए MIS वाला मिस का यूज करेंगे, और किसी भी महिला के लिए चाहे वो मैरिड रहे चाहे अनमैरिड रहे के लिए M और S डॉट का यूज करेंगे, MS। तो ये हो गया आज का हमारा डे वन का, मैं बताना चाहता हूँ हमने क्या क्या आज क्या क्या पढ़ा। हमने जनरली आज अभिवादन को लेके पढ़ा है, अभिवादन इन द सेंस आप सुबह से लेके 12 बजे तक क्या बोलेंगे, कैसे अभिवादन करेंगे अपने से बड़ों को या फिर अपने हम उम्र को या फिर अपने से छोटों को। उसके बाद 12 से 5 बजे तक समझे जो गुड आफ्टरनून वाला जो चैप्टर था, उसके बाद हमने पढ़े 5 बजे से रात तक हम क्या अभिवादन करेंगे, दस सेंस गुड इवनिंग वाला जो पोर्शन था वो पढ़े। उसके बाद जो लास्ट में विदाई लेते टाइम क्या बोलना है, गुड नाइट वाला जो पोर्शन था, उसके बाद किसी भी टाइम विदाई करते टाइम क्या पढ़ना क्या बोलना चाहिए, वो चीज़ें हमने पढ़ा। इसके अलावा मैं शॉर्ट में बताऊं तो हमने पढ़ा किसी से बात ख़त्म करने के बाद अगर हमें वहां से जाना है, अच्छा सर चलते हैं, ये वाला जो स्टोरी था वो पढ़ा। उसके अलावा किसी से मिलते हैं उसको फीडबैक देना है कि हमें आपसे मिल के अच्छा लगा, इस चीज़ को इंग्लिश में हमने बोलना सीखा। इसके अलावा कुछ याद रखने वाली बात थी कि ग्रैंड माँ चचेरे माँ मेरे ये सारी चीज़ों को जो अंकल बोलते हैं इस पल पर बात थी, और कुछ हमने आज सीखा जो अपने व्यक्तिगत है, फादर को डैड डैडी बोलते हैं, मदर को मॉम या मम्मी बोलते हैं, अलग से माता जी ऐसा मदर ऐसा बोलने की जरूरत नहीं पड़ता, शॉर्ट में संक्षेप में आप ये सब चीज़ें क्या बोलना है ये हमने सीखा। ठीक है, ग्रैंड फादर को सीखा। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइस, आज के बाद कल आने वाला है डे टू, उसमें हम लोग पढ़ेंगे सेकंड डे में बहुत कुछ पढ़ेंगे, मैं पूरा सीरीज टू लाने वाला हूँ, तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आप उस चैप्टर को डे टू को में भी बने रहें, डे थ्री में भी बने रहें, डे फोर में भी बने रहें। इसके अलावा अगर आपको 10 से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए तो पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरे ही चैनल पर, लकी मोहन यूट्यूब चैनल है, उस पर आके पूरा जाके चेक करिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू वांट टू स्टडी ऑफ CGVAPAM CGPSC
यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, विच मीन्स जिसमें आप फूड इंस्पेक्टर बनते हैं, या फिर जिसमें आप डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, या फिर आप जिसमें आप पटवारी बनते हैं सीजी व्यापम पे, है ना, या फिर आप जो कलेक्टर बनते हैं जिसको डीएम बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या फिर जिसको आईएएस बोलते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, तो वो कैसे बनते हैं या फिर उसके लिए क्या पढ़ना पड़ता है, सारा चीज़ें प्ले लिस्ट में बना हुआ है, आप जाके चेक करिए, आपको ज़रूर पता पड़ेगा। आपको इंजीनियर कैसे बनते हैं, आप आईआईटी जेई क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम दैट।